बच्चों का सर बनाने के लिए, न्यू बॉर्न के लिए बहुत ही आसान तरीका है। इसके लिए ना ही आपको कोई ज़्यादा चीज़ें दरकार होंगी, ना आपको कोई ज़्यादा झंझट की ज़रूरत है। इस तरह एक आपने सॉफ्ट पिलो ले लेना। अक्सर बच्चों के बेबी बैग्स या रैपर्स या ये जो आते हैं गिफ्ट पैक्स, उनके अंदर मौजूद होता है। एक आपको चाहिए इस तरह का सॉफ्ट पिलो और एक आपको इस तरह का गत्ता टाइप चाहिए, इस तरह का। करना आपने ये है कि इस गत्ते को इसी तरह इस सॉफ्ट पिलो के अंदर डाल देना, ठीक है। अब यूँ रख के जो बच्चे का सर है वो आपने इस तरह रखना है, मतलब स्ट्रेट फेसिंग टुवर्ड्स दिस कार्डबोर्ड। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सर बनेगा। ये मेरी अपनी प्रैक्टिस है जो कि मैंने की है अपने बच्चों के साथ। इट इज़ वेरी यूज़फुल एंड सक्सेसफुल टिप। जजाक। बस आपने कांस्टेंट बच्चे को इस शेप में नहीं लटाना, क्योंकि इस तरह लटाने से बिल्कुल हेड पीछे से फ्लैट हो जाएगा। दैट इज़ अ फ्लैट हेड सिंड्रोम। ये डिज़ीज़ है, इसकी वजह से हेड की शेप ख़राब हो जाती है, ब्रेन की डेवलपमेंट ख़राब हो जाती है। डजेंट मीन कि अगर आपने पीछे से बिल्कुल गत्ते की तरह फ्लैट हेड बना दिया दैट इज़ अ सक्सेस। नो, इट इज़ नॉट अ सक्सेस। ये आप बेबी के साथ जो है वो बदला ले रहे हैं, उसकी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। इस तरह बच्चे का जहन ब्रेन डेवलप नहीं होगा, उसको स्पेस नहीं मिलेगी अगर आपने पीछे से फ्लैट कर दिया। ये डिफॉर्मेशन है स्केल की।